सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आपके डिवाइस में कस्टम थंबनेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐड करने का, तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप जब भी अपने YT Studio ऐप में वीडियो में थंबनेल ऐड करने की कोशिश करते हो, तो आपको वहाँ पर कस्टम थंबनेल का जो ऑप्शन है वो डिसेबल नज़र आता है। तो आपको ये ऑप्शन शो होता है, आप इस पर भी क्लिक करते हो तो आपको इसमें इसकी डिटेल्स तो मिल जाती है, लेकिन आपको ये कहीं नहीं मिलता कि आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हो, या फिर इसको वेरीफाई करने का बटन नहीं दिखता। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसकी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है सिंपली से। और स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। और पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ से कस्टम थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ से इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट होगा, आपको यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर देना है। और अब आपको यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। आपको कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके स्क्रॉल डाउन कर लेना, और यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो मैं अपना यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। और मोबाइल एंटर करने के बाद आपको गेट कोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है वेरिफिकेशन कोड को। तो मैं अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर कर लेता हूँ, 851031। और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ से पॉपअप दिख जाएगा, फ़ोन नंबर वेरीफाइड। तो आपका जो फ़ोन नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से YouTube स्टूडियो पर थंबनेल ऐड करके दिखाता हूँ। अब कस्टम थंबनेल का ऑप्शन आपका इनेबल हो चुका है। तो चलिए आपको YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना है, और मैं यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, तो आपका जो कस्टम थंबनेल का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से एक थंबनेल ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से इस थंबनेल सेलेक्ट कर लिया है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा थंबनेल सक्सेसफुली यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, हमने सेव पर क्लिक कर दिया, हमारा जो थंबनेल वगैरह सब कुछ अच्छे से हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।